rock it. Hello friends, अंतर की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटो सूप। इसके लिए मैंने लिए हैं टमाटर, इनको रफली चॉप कर लिया है, ग्रीन ली है थोड़ी सी, प्याज, लहसुन, तेजपत्ता, अदरक, एक छोटा सा आलू, चीनी एक चम्मच, बटर और तेल आप दोनों यूज कर सकते हैं मिला के, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, और ये मैंने ब्रेड के छोटे पीस करके इनको तवा पे फ्राई कर लिया है। आप इनको तल भी सकते हैं और ओवन में भी इनको लाल कर सकते हैं बिना ऑयल के। अब मैं इसके लिए इसमें मैं गाजर भी डालूँगी। अब कुकर में मैंने बटर डाल दिया है, बटर पिघल जाएगा, इसी में मैं तेज पत्ता डालती हूँ। लहसुन डालती हूँ, प्याज डालती हूँ, अदरक के टुकड़े, थोड़ा सा भूनती हूँ। गाजर डाल देती हूँ, इसको भी भून लेती हूँ थोड़ा सा। आलू का छोटा सा यूज कर रही हूँ उसके क्रीमी बनाने के लिए, थोड़ा आप इसको हटा भी सकते हैं। इसी में अब मैं टमाटर डालूंगी, अच्छी तरह मिक्स करना है। अब थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़ा नमक डाल के इसमें एक गिलास पानी डाल दूंगी और 4-5 सीटी लगा के इसको अच्छे से उबाल लूंगी। इसमें 4-5 सीटी लगानी है। ये देखिए इसे 3-4 सीटियाँ लग गई हैं। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और ये स्टीम अपने आप ही निकलने देना है, हमें खोलना नहीं है, इससे इसकी सारी खुशबू इसी के अंदर बनी रहेगी। ये देखिए अच्छे से उबल गया है, मैंने इसका पानी निकाल दिया है छन्नी से, ये देखिए पानी निकल आया। अब मैं इसका तेज पत्ता हटा के इसको बारीक ठंडा करके एकदम से बारीक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। ये मैंने जार में डाल दिया, अब मैं इसको पीसूँगी। ये बहुत टेस्टी सूप बनेगा। अभी ये देखिए मैंने इसको अच्छा से पीस लिया है, अच्छा क्रीमी हो गया है। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी मोटा नहीं है ये। इसको अब मैं फ्राई पैन में डालती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है और इसी में मैं ये जो टमाटर का पानी था उसको भी डाल देती हूँ। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा एकदम गाढ़ा सूप तैयार होगा। इसको चलाती हूँ, इसको 3-4 मिनट उबालूँगी। अगर और पतला चाहिए तो उसमें आप थोड़ा पानी और डाल सकते हैं, बहुत गाढ़ा है अभी, आलू डालने से ही गाढ़ा हुआ है। अब मैं इसको 3-4 मिनट उबालूंगी और इसी में मैं नमक डालूंगी, इसके हिसाब से थोड़ा नमक पहले डालने पर, अभी मैं थोड़ा डालूंगी। एक चम्मच चीनी डालूंगी, आप मीठा जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, और हाफ स्पून गरम मसाला डालूं, छोटी हाफ स्पून, थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए। अब मैं इसको उबालूंगी,
कि हमारा टोमेटो सूप अच्छे से उबल गया है, 3 से 4 मिनट हो गए, अच्छा गाढ़ा भी है। आप इसको गर्म गर्म सर्व कीजिए। अब मैं इसकी गैस बंद कर देती हूँ। ये मैंने बाउल में ले लिया है। अब मैं इसमें ऊपर से ब्रेड के क्रॉस्टर्स डाल देती हूँ। इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। और इसमें मैं थोड़ी सी क्रीम डाल देती हूँ। ये बच्चे भी बहुत टेस्ट से पियेंगे, बहुत ही अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब